में हम बात करेंगे आईटी ट्रेड के इलेक्ट्रिशियन के कोर्स के बारे में, क्योंकि काफी ऐसे बच्चे हैं जो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स प्लस टू के बाद उन्होंने किया हुआ है और उनके मन में यही इच्छा है कि वो कनाडा जाकर सेटल हो सके, या फिर काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो प्लस टू के बाद इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करना चाहते हैं। तो जिन बच्चों ने कोर्स किया हुआ है या फिर कोर्स करना चाहते हैं तो वो कैसे कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए आज की वीडियो में। सो अगर आप से सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने किसी भी देश में, बेशक इंडिया में या फिर और किसी देश में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या डिग्री की हुई है या फिर आईटी ट्रेड का 2 साल का कोर्स किया हुआ है और उस बच्चे के पास जो एक्सपीरियंस है, पेड वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 9000 घंटे का, 9000 घंटे का आपके पास पेड वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इजीली कनाडा जा सकते हैं। मींस के आपको इतना बता दूं कि कनाडा में जो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करके बच्चे जाते हैं उनका वहां पर पे स्केल बहुत अच्छा होता है, वहां पर आपकी इनकम बहुत अच्छी होगी। तो आपको इतना बता दूं कि कनाडा में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सारे कानूनों की एक बुक होती है जिसमें क्या है, अलग अलग तरह के चैप्टर होते हैं। उस बुक को कनेडियन इलेक्ट्रिकल कोड बुक के नाम से जाना जाता है। आप नोट भी कर सकते हैं बुक को, उस बुक को कनेडियन इलेक्ट्रिकल कोड बुक के नाम से जाना जाता है। जब आप कनेडा एज फ्रेशर तौर पे जाते हो वहां पर, तब आप वहां पर एज अ ट्रेनी काम करते हो और जब आप वहां पर रेड सील का एग्जाम पास कर लेते हो तब आप एज अ इलेक्ट्रिशियन वहां पर अपना काम स्टार्ट कर सकते हो और आपका पे स्केल भी अच्छा होगा। जब आप रेड सील का एग्जाम क्लियर कर लेते हो तब आपको परमिशन होती है कि आप चलती बिजली की लाइनों के ऊपर काम कर सको। जब आप एज अ ट्रेनी काम करते हो तब आपको चलती बिजली की लाइनों के ऊपर काम करने की परमिशन नहीं होती। इतना फर्क है, आपको रेड सील का एग्जाम पास करना पड़ता है जब आपने वहां पर एज अ इलेक्ट्रिशियन काम करना है और अच्छा पे स्केल लेना है। कनाडा में क्या है, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे जाते हो, बेशक आप वहां पर सिटीजन हो या परमानेंट रेजिडेंट हो, तो वहां पर क्या है, आपको रेड सील का एग्जाम पास करना पड़ेगा ही अगर आप अच्छा पे स्केल लेना चाहते हैं। वैसे भी वहां पर हर साल क्या है, 8 वीक की आपकी ट्रेनिंग लगेगी और उसके बाद आपकी जो 10 मंथ की, मींस के 10 मंथ की आपकी प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है, जिसका क्या है, आपको सैलरी भी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग लगी है और आपको सैलरी पैकेज नहीं मिलेगा, आपको इसकी बकायदा सैलरी भी मिलेगी। तो उसके बाद आप मतलब कि एज ए इलेक्ट्रिशियन बहुत अच्छी सैलरी पैकेज वहां पर ले सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एनुअल इनकम की, भी जो इलेक्ट्रिशियन वहां पर जाते हैं उनकी एनुअल इनकम कितनी होती है। जिन बच्चों ने रेड सील का एग्जाम पास किया हुआ है वहां जाकर, उनकी जो सैलरी है वो 40 घंटे एक हफ्ते में काम करते हैं और उनकी जो सैलरी है वो 40,000 से लेकर 80,000 कैनेडियन डॉलर एनुअल होती है। मींस के तकरीबन वो बच्चे 1,00,000 कैनेडियन डॉलर सैलरी ले लेते हैं। बाकी आप प्राइवेट काम भी कर सकते हैं और बिजली ठेकेदार का काम भी आपको मिल जाता है। आज की बात करें तो ब्रिटिश कोलंबिया में जो इलेक्ट्रिशियन है वो $45 प्रति घंटे के हिसाब से सैलरी ले रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिशियन की कितनी सैलरी हो सकती है। लेकिन जो भी कोर्स आपने किया है, अगर आपने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया हुआ है तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ओनली सर्टिफिकेट आपका काम नहीं आएगा। तो आपको कोर्स प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर ही करना चाहिए। जो कंस्ट्रक्शन के इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनका जॉब रोल क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको बता दूं कि कनाडा में क्या है, जो घर है वो 2 तरह के होते हैं, जहां तो काफी घर लकड़ के बने होते हैं या फिर कंक्रीट के बने होते हैं।
जो घर कंक्रीट के बने होते हैं वो काफी ज्यादा मंजिलों वाले होते हैं, 60-70 मंजिलें उसके ऊपर ऊपर होती हैं। तो वहां पर जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनको बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी थोड़ी सी लापरवाही हो गई तो घर में आग लग सकती है। तो आपको वहां पर जो बिजली का सारा काम है वो बड़े ध्यान से करना पड़ता है। वहां पर तारों की फिटिंग करनी, बिजली चेक करनी, अगर किसी की इलेक्ट्रिसिटी में कोई नुक्स पड़ जाता है, कोई चीज खराब हो जाती है तो उसको रिप्लेस करना या रिपेयर करना, ये सारा काम इलेक्ट्रिशियन का ही होता है। आपको इतना बता दूं कि कनाडा में रिपेयर से ज्यादा रिप्लेस किया जाता है, जैसे कोई सामान खराब हो गया तो उसको रिप्लेस ज्यादा किया जाता है, तो वो सारा काम भी इलेक्ट्रिशियन के द्वारा ही किया जाता है। पुरानी लाइट्स को चेंज करना, बिजली की फिटिंग करनी और तारों को इधर जा उधर पार करने के लिए जो होल्स किए जाते हैं वो भी इलेक्ट्रिशियन द्वारा ही किए जाते हैं। मीन्स कि ये सारा काम कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिशियन के द्वारा ही किया जाता है। और अगर आप इलेक्ट्रिशियन के तौर पे काम कर रहे हो तो इस काम के अलावा आपको फायर अलार्म सिस्टम, इंटरनेट सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, टीवी सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन, नर्स डॉक्टर कॉलिंग सिस्टम और लिफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी जाती है। जहां पर भी आपको काम के लिए बुलाया जा सकता है, मीन्स कि आप काम करते करते और भी नया काम आपको सीखने का मौका मिलेगा। मीन्स कि आप इस वीडियो से अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि इलेक्ट्रिशियन की वहां पर कितनी डिमांड है। सो प्लीज जिन बच्चों ने कोर्स किया हुआ है वो भी हमसे गाइडेंस ले सकते हैं आके कनाडा जाने के लिए, और जो बच्चे प्लस टू के बाद कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इलेक्ट्रिशियन की जो एडमिशन अभी स्टार्ट होने वाली है, बच्चे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप हमारी कैनेडियन आईटी पटियाला में आ सकते हैं और अपनी सीट बुक कर सकते हैं, क्योंकि सीट्स बिल्कुल लिमिटेड है, जल्दी फिल हो जाती हैं। सो प्लीज जिन बच्चों ने एडमिशन लेनी है वो जल्द से जल्द आए और अपनी सीट बुक करवाएं। थैंक यू।